हेलो दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ लेमन पेपर चिकन। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। ये कॉन्टेस्ट के लिए बनाई जा रही है रेसिपी, जिसका नाम है संवेदनायक कलनरी कॉन्टेस्ट 2020। ये एक वर्चुअल कॉन्टेस्ट है। सबसे पहले आइए हम शुरुआत करते हैं। हमने चिकन ले लिया है, अब इसमें हम लेमन जूस डाल रहे हैं। फिर हमें उसके अंदर सॉल्ट डालना है, सॉल्ट थोड़ा कम ही डालना है, और क्योंकि हम बाद में भी सॉल्ट ऐड करेंगे। फिर हमें ब्लैक पेपर ऐड करना है इसके अंदर। ब्लैक पेपर अकॉर्डिंग टू टेस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा अकॉर्डिंग टू टेस्ट। जब हम ये सब ऐड कर लेंगे तो उसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। फिर हम कर्ड लेंगे, कर्ड को अच्छे से विस्क करेंगे। देखिए, हम अच्छे से विस्क कर रहे हैं कर्ड को। जब वो अच्छे से विस्क हो जाएगी, हम इसको इसमें ऐड कर देंगे। अब कर्ड को हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। हमने जितने भी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, लेमन जूस, जिंजर गार्लिक पेस्ट, पेपर, कर्ड, सॉल्ट, सब अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। आइए हम आगे की प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। हम एक पैन ले लेंगे, उसमें हम बटर डालेंगे, और बटर के साथ हम थोड़ा ऑयल डालेंगे टू मेक श्योर कि हमारा जो बटर है वो जले नहीं। फिर हमने इस बटर और ऑयल के अंदर तेज पत्ता ऐड कर दिया, और दोबारा से जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया। इसको हम गोल्डन ब्राउन होने देंगे। देखिए कितना अच्छा अरोमा आ रहा है। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए, हम इसके अंदर जो अपने चिकन और उसके अंदर जो हमने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए थे वो उसके अंदर मिक्स कर देंगे अच्छे से, और मेक श्योर कि ये सारी कुकिंग लो फ्लेम पे होगी, नहीं तो चिकन चिपक जाएगा। और क्योंकि हम पहले सॉल्ट डाल चुके हैं, हम दोबारा सॉल्ट ऐड करेंगे, तो हमें ये ख्याल रखना है कि सॉल्ट बिल्कुल बैलेंस्ड रहे और सॉल्ट ज़्यादा ना हो जाए। और अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब हमें इसे थोड़ी देर के लिए कवर करके रखना है। देखिए, हमने पैन को कवर करके रख दिया थोड़ी देर के लिए। अब हम पैन को हटाएंगे, पैन पर कवर को हटाएंगे, और उसमें ग्रीन चिली डालेंगे। ग्रीन चिली भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिए, और अब क्योंकि ब्लैक पेपर भी है इसलिए ग्रीन चिली अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालिए। अब हमारा एम है कि ये जो सॉस है इसके अंदर वो थिक हो जाए, और इस सॉस को हमें रिड्यूस करना है, इसलिए हम इसे दोबारा से कवर करके रख रहे हैं। अब देखिए, हमारे सॉस थिक हो गया। अब इसमें हम दोबारा से ब्लैक पेपर डालेंगे, देगी मिर्च कलर के लिए, और जीरा पाउडर ऐड करेंगे। आप टेक्सचर देख सकते हैं, कितना अच्छा अरोमा, कितना अच्छा फ्लेवर और टेक्सचर आ रहा है हमारी डिश में। देखिएगा, कलर थोड़ा सा गोल्डन हो गया है। ये इंटायरली मेरी खुद की रेसिपी है, बहुत ही इनोवेटिव रेसिपी है। अब हम दोबारा से इसको ढक देंगे। अब हम चेक करते हैं इसको कवर हटा के। अब ये बिल्कुल रेडी हो गया है, चिकन भी कुक हो गया है,
देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है, गोल्डन ब्राउन है। अब हम इसकी सर्व करेंगे। अब ये सर्व करके कितना ही डिलीशियस लग रहा है कि इसकी जो सर्विंग है, प्लेटिंग है, कितनी ऑसम लग रही है, और खाने में भी ये उतना ही टेस्टी है जितना ये सर्विंग में टेस्टी लग रहा है। बहुत ही इजी रेसिपी है, और कमेंट्स ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।